स्वागत है आपका सिंघ ऑटो ज़ोन के नए एपिसोड में। यहाँ आपको मिलेंगे टॉप थ्री न्यूज अपडेट्स ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड ग्लोबली। शुरू करते हैं पहले अपडेट से जो है टाटा मोटर्स। हम सब जानते हैं दोस्तों कि टाटा मोटर्स ने कन्फर्म कर दिया है, पहले भी किया है, बार बार करते हैं कि आने वाले 18 महीने वो चार इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट में उतारेंगे। मीन्स 2020 तक चारों आ जाएंगे। पहला है टेगोर का लॉन्ग रेंज वर्जन, नंबर टू अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक, नंबर थ्री नेक्सन। नेक्सन का भी कन्फर्म हो चुके, उस पर भी काम चल रहा है, उसके इलेक्ट्रिफिकेशन पर काम चल रहा है। नंबर फोर अभी अनडिस्क्लोज है, उसका भी क्लैरिटी, लेकिन वो भी 2020 तक ही उसको लास्ट तक लॉन्च किया जाएगा। यहां बात कर रहे हैं हम नेक्सन की। नेक्सन का जैसे हमें क्लैरिटी होगी कि अल्ट्रोस के बाद जो थर्ड प्रोडक्ट इसको लॉन्च किया जाएगा, और अल्ट्रोस से थोड़ी महंगी भी रहेगी, लेकिन यहां हमें इसका रेंज का भी अब क्लैरिटी हो गई है। रेंज 300 किलोमीटर के आसपास टाटा मोटर्स कह रही है कि इतनी रेंज के साथ इसको लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि उनका कहना कि अभी हाल में जो सिनेरियो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रा का, उस हिसाब से जो लॉन्ग रेंज वर्जन है उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जिस दिन ये डेवलप हो जाए फिर कम रेंज से भी काम चल जाएगा, बट जब तक ये डेवलपमेंट स्टेज पे है तब तक लॉन्ग रेंज वर्जन ही सूट करेंगे इंडिया के हिसाब से। बिल्कुल दोस्तों, मैं इस बात से एग्री हूं। अगर हम बात करें ह्यूंडई कोना की, तो उसका बेस्ट पार्ट है उसकी रेंज 450 किलोमीटर, बट वहीं उसका प्राइस भी नेक्सन से तकरीबन डबल रहेगा। नेक्सन के प्राइस की बात करें तो यहाँ 12 से 15 लाख के बीच में इसका प्राइस रहने की उम्मीद है। दोस्तों, ये था आज का पहला अपडेट। यहाँ सेकंड अपडेट आया है DERC यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। उन्होंने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन था, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का रेट था, उसमें कमी की है। पहले जहां 5.5 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से चार्ज किया जाता था डिपार्टमेंट की तरफ से इन चार्जिंग स्टेशन को, उसको अब 1 रुपया कम करके 4.50 रुपए यानी कि 4.5 रुपए का पर किलोवाट का अब चार्ज लिया जाएगा। दोस्तों, अच्छी बात है ये। लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ने ईवी पॉलिसी को काफी क्लैरिटी कर दी थी। उसके अंदर 2023 तक 25% नए ईवी बाय सेल ऐड करने की प्लानिंग है। दोस्तों, अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो दिल्ली NCR के लिए बहुत बहुत बड़ा रिलीफ होगा इन टर्म ऑफ एयर पोल्यूशन, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज में दिल्ली का नाम भी आता है। तो यहां लास्ट अपडेट है एक रिपोर्ट जो कि आई है ब्लूमबर्ग से। उनके अनुसार टेस्ला और अदर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है वो एक बात को लेकर कंसर्न है, चिंतित है, वो है निकल सप्लाई। दोस्तों, निकल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए और बैटरीज बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो जिस हिसाब से वर्ल्ड वाइड और नई से नई हर कंपनीज नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लॉन्च कर रही है, मीन्स ज्यादा से ज्यादा बैटरीज की जरूरत है, तो ऐसे में उस हिसाब से बट जो निकल की जो माइनिंग है कोई नई माइनिंग नहीं स्टार्ट हो पाई, उस पर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो उस हिसाब से उनको चिंता है कि आने वाले टाइम में इसकी कमी की वजह से जो प्राइस है ओवरऑल उसमें एक रोक ठहराव आ सकता है। अगर हम बात करें निकल की, तो 1.8 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट हर साल इसकी बढ़ रही है। वहीं अगर बात करें दूसरा जो मेन मटेरियल है इन बैटरीज का, लिथियम आयन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें नई माइनिंग्स खुल रही है। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में नई माइनिंग स्टार्ट हुई है, और जो लिथियम ट्राइंगल है बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, वहां पर भी नई माइनिंग स्टार्ट हुई। तो अगले 10 से 15 या 20 साल तक कह सकते हैं कि अभी लिथियम की कोई दिक्कत नहीं है, उस पर काम चल रहा है, नए से नए माइनिंग उस पर स्टार्ट हो रही है। लेकिन निकल के केस में ऐसा नहीं है, कोई नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट, फ्रेश माइनिंग नहीं स्टार्ट हो रही है। तो इस वजह से स्पेशली टेस्ला इससे लेकर ज्यादा चिंतित था, उन्होंने पहले भी इस बात में बात की थी, अब दोबारा से उनका फिर ये पॉइंट निकल कर आया है कि इस चीज पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो आगे चलकर दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।